चौहान के एक तेरा पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें आप राजस्थान आकर के अंबागढ़ दुर्ग पर भगवा झंडा फहराने की बात कर रहे हो। दो दिन पहले उपदेश राणा ने भी की है। आपके ज्यादा खुजली चल रही है, वैसे हम आपका चैनल नहीं देखते हैं, लेकिन इस पोस्टर के बाद में हमने आपका चैनल देखा है। आपका चैनल हमेशा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात करता है, हिंदू मुसलमान की बात करता है, भारत पाकिस्तान की बात करता है, और आदिवासी हमेशा राजनीतिक सौहार्द बनाने की बात करता है, भाईचारा बनाने की बात करता है और भाईचारा कायम बना करके रहता है। आप राजनीतिक एजेंडे के लिए तो राजस्थान में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हो। आप लोगों को, आप लोग जिस तरह से आदिवासियों को कमजोर समझ रहे हो सत्ता के मद में, आदिवासियों को कमजोर समझने की जो भूल कर रहे हो, मैं आपको बता दूं कि आदिवासियों का इतिहास दुर्ग बचाने के लिए, अपने दुर्गों के ऊपर लड़ने के लिए पहले भी बहुत आक्रांताओं से लड़ा है और आज भी लड़ाकू है। तुझे खुली चुनौती है, मेरी चेतावनी है कि तुझे राजस्थान का सौहार्द खराब, सामाजिक सौहार्द खराब नहीं करने देंगे, और तुझे आदिवासियों की तरफ से खुली चुनौती है कि तू अकेले ही क्यों, तू अपने साथ मोहन भागवत को लेकर के आ, चाहे तू मोदी को लेकर के आ, चाहे तेरा जो भी आका है उसको लेकर के आ, लेकिन राजस्थान का आदिवासी समुदाय तेरे से लड़ने, निपटने और अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। डरने वाला समुदाय नहीं है। हम लोग शेरों को पालना भी जानते हैं, हमने शेरों के शिकार भी किए हैं। और आपको बता दें कि तू क्या, तेरा कोई भी आका अंबागढ़ दुर्ग पर अब कोई झंडा नहीं पहना सकता। अगर अंबागढ़ दुर्ग पर कोई झंडा लगेगा तो वो तिरंगा है, तिरंगा लगेगा और कोई झंडा नहीं लगेगा। तुझे जैसे आना है आए, तेरा चैलेंज हम स्वीकार करते हैं। जय आदिवासी एकता, जिंदाबाद।